आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम आपको एक अलौकिक मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह मंदिर आज भी ज्ञान और विज्ञान को चुनौती दे रहा है। माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को ज्योतावाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीव गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक इसका रहस्य कोई भी नहीं जान पाया है कि आखिर यह ज्वाला यहाँ से कैसे निकल रही है। कोई भूवैज्ञानिक कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा पाया कि यह प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया है। आइए जानते हैं ज्वाला देवी की ज्वाला का रहस्य क्या है, इसके पीछे धार्मिक या वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं। इसके पहले हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें पता चल सके कि आप सनातन प्रेमी हैं और इन कथाओं पर आपको विश्वास भी है। तो ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं चल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता है, और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ चंडी देवी, महालक्ष्मी, माँ हिंगलाज देवी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी एवं माँ अंजी देवी हैं। माँ ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला के बारे में जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आज़ादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक तंबू गाड़कर ज्वाला की जड़ का पता लगाने के लिए बैठ गए थे, लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं मिली। यह बातें सिद्ध करती हैं कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ माँ ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माँ से कहा कि माँ आप पानी गर्म करके रखें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब गोरखनाथ भिक्षा लेने गए तो वापस ही नहीं लौटे। मान्यता यह है कि वही ज्वाला जो माँ ने जलाई थी आज भी जल रही है, और कुछ ही दूरी पर बने कुंड के पानी से भाप निकलती प्रतीत होती है। इस कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ मंदिर वापस लौट कर आएंगे, और तब तक ज्वाला जलती रहेगी। इस मंदिर से जुड़ी एक और घटना है। बादशाह अकबर ने मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया। फिर उसने नहर तक की खुदवाई करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नहर मंदिर की बाईं ओर देखने को मिल जाएगी। बाद में वह माँ के इस चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया और सवा मन के सोने का छत्र चढ़ाने पहुँचा, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह गिरकर किसी अन्य धातु में बदल गई। यह धातु कौन सा है आज तक इसका पता नहीं लगाया जा सका। ज्वाला माता के मंदिर को लेकर ध्यानु भगत की कहानी भी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार ध्यानु भगत ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपना शीश माँ को चढ़ा दिया था। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कोई भी माँ के दरबार से खाली नहीं जाता। जगत जननी ज्वाला माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या आप कभी ज्वालामुखी मंदिर गए हैं।
माता रानी को दिल से याद करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।